हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न प्रदितिमन। अब हम पढ़ने वाले हैं बालक का भाषाई विकास। एक बालक की भाषा जो है उसका विकास कैसे होता है, धीरे धीरे उसकी जो भाषा है जो कि उसकी आवाज़ के रूप में थी शुरुआत में, वो शब्द कब बन जाती है, किस उम्र में आकर बनती है, शब्द धीरे धीरे जो है वो मिलाकर वो वाक्य बोलना कब सीखता है, तो इसके बारे में ही आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली हो। सबसे पहली बात कि भाषा सीखने के साधन क्या होते हैं, एक बच्चा जो है किन साधनों का प्रयोग करके भाषा सीखता है और फिर जो है वो वार्तालाप तक भी पहुंच जाता है। तो सबसे पहला है अनुकरण, इमिटेशन, नकल करना। ठीक है, तो नकल करके बालक जो है वो सीखता है, घर में अपने माता पिता भाई बहनों को जैसा बोलता देखता है तो वैसा ही वो सीख जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल के द्वारा। जब वो बाहर खेलने जाता है, स्कूल में वह पढ़ाई करने जाता है, वहाँ पर अपने संगी साथियों के द्वारा जो है वह उस शब्द को पकड़ता है और वो सीखता है। तो कई बार जो है बच्चों से पूछा भी जाता है कि ये जो शब्द तुमने प्रयोग किया है तो ये आपने कहाँ से सीखा। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में तो ये शब्द बोला ही नहीं गया था। तब वो बताता है कि जब मैं खेल रहा था तो मैंने अपने दोस्त के द्वारा ही ये शब्द को सीखा है। तो खेल के द्वारा भी भाषा सीखी गई एक बालक के द्वारा। ठीक है, थर्ड है कहानी सुनना। जब उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं, बच्चों को कहानियाँ बहुत अधिक पसंद रहती हैं, कहानियाँ सुनाई जाती हैं, तो कुछ शब्द जो हैं वो वहाँ पकड़ लेते हैं कहानियों में, उन्हीं शब्द को जो है वो धारण करते हैं और ऐसा ही बोलना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न उत्तर के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। बच्चों को जो है प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका वो देते हैं जवाब। ठीक है, यहाँ भी भाषा का विकास होता है। फिफ्थ नंबर पर है जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वो आपस में दोस्तों से जब उससे बातें की जाती हैं, ठीक है, वहाँ से सीखता है। तो बातचीत और वार्तालाप ये भी भाषा सीखने के साधन हैं। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, भाषा सीखने के साधन इनमें से नहीं हैं। तो आप ये 5 पॉइंट याद रखें, अनुकरण से सीखी जाती है, खेल के माध्यम से सीखी जाती है, कहानी के माध्यम से सीखी जाती है, प्रश्न उत्तर, वार्तालाप और बातचीत के माध्यम से भी हम भाषा सीखते हैं। तो ये क्या है, भाषा सीखने के सभी साधन हैं। भाषा विकास के चरण स्टेप क्या रहते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, यानी कि 6 हफ्ते तक जो है बच्चा क्या करता है, सर्वप्रथम ध्वनि निकालता है। 6 हफ्ते में वो सर्वप्रथम ध्वनि निकालता है, कैसे, रोकर, जिसको कहा जाता है क्रंदन करना। ठीक है, तो रोकर जो आवाज़ बाहर आती है तो ये भी भाषा में ही काउंट होगी, यानी सबसे पहली जो उसकी ध्वनि जो है निकाली गई 6 हफ्ते में, तो वह भी भाषा कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। दूसरा है बल बलाना, बैबलिंग करना, जो कि 6 महीने का बच्चा करने लगता है, बा मा पा, यानी कि पूरा शब्द जो है वो नहीं बोल पाता है, पापा नहीं बोल पाता है, बाबा नहीं बोल पाता है, अपनी मम्मा जो है वो भी नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो जो पहला अक्षर जो निकालता है तो इसी को कहा जाता है बल बलाना। ठीक है, जहाँ पर वो पूरा शब्द नहीं बोल पा रहा है अभी, तो 6 महीने का बालक जो है वो बैबलिंग करता है। उसके बाद है हाव भाव यानी गेस्चर। 10 से 13 मंथ का जो बच्चा होता है वो सबसे पहला जो है वो सार्थक शब्द निकालता है। ठीक है, उसके जो गले से, मुख से जो है जो शब्द निकलता है वो 13 महीने का जो बच्चा होता है उसमें निकल आता है, यानी कि 1 वर्ष के बाद जो है वो बच्चा क्या करने लगता है, शब्द जो है वो बाहर निकालने लगता है। चौथा जो चरण है वह है अभिव्यक्ति यानी कि इमोशन। अब जब वो शब्द बनाना सीख गया है तो उन शब्दों को वो वाक्य में पिरो लेता है और ये जो है आता है उसके 1.5 साल में। ठीक है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि 18 माह में। चोमस्की का जन्मजात भाषाई विकास का सिद्धांत, चोमस्की जिनको भाषाई विकास का प्रतिपादक कहा जाता है, इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक कहा जाता है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक रहे हैं चोमस्की। ठीक है, इनका कहना है कि बालक जो पैदा होता है तो वह भाषा लेकर पैदा होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो रोने की जो आवाज़ आती है वही रोने की आवाज़ जो है वो प्रथम ध्वनि रहती है एक बच्चे की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाषा जन्मजात होती है और जन्म के समय जो है वो बच्चे के अंदर भाषा पहले से ही मौजूद होती है। यही प्रथम ध्वनि जो है रोने की जो आवाज़ है उसके बाद धीरे धीरे जो है वो व्यंजन में बदल जाती है, यानी ये जो प्रथम ध्वनि है जिसको हम स्वर कह सकते हैं। तो
तो स्वर उसने सीख ही लिया है जो कि जन्मजात है, उसके बाद वो व्यंजन जो है सीख जाता है, और उसके बाद एक शब्द बनाना सीखता है, और धीरे धीरे जो है शब्द वाक्य में बदल कर वाक्य जो है वो एक पंक्ति का रूप ले लेता है, और वह जो है वो अच्छे तरीके से भाषा बोलना सीख जाता है। तो चौमस्की यही कहते हैं कि बच्चा जो पैदा होता है तो वो भाषा लेकर पैदा होता है, यानी कि भाषा जो है वो जन्मजात होती है, इसका अर्थ यह हुआ। ठीक है, चौमस्की का मानना है कि जब भाषा अर्जन जन्मजात होती है, यानी कि बच्चे जो हैं वो भाषा सीखने की जो एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, और जिस व्यवस्था को इन्होंने LED का नाम दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी ये डिवाइस पहले से ही मौजूद है एक बच्चे के अंदर, भाषा ग्रहण साधन। और इसके साथ ही जो है इन्होंने ये भी बताया कि सार्वभौमिक व्याकरण जो है इसका भी उल्लेख इन्होंने किया, जो हमारे भाषा के जन्मजात ज्ञान का ही एक अंश होता है। तो दो चीज़ें इन्होंने बताई, एक तो LED बताया जो जन्मजात है, ठीक है, भाषा ग्रहण साधन है जो कि एक बच्चे के अंदर पहले से ही मौजूद होता है, और एक जो सार्वभौमिक व्याकरण जो है जिसका उल्लेख ये करते हैं कि हमारी भाषा के जन्मजात ज्ञान का एक अंश यह भी एक शिशु के अंदर होता है, यूनिवर्सल ग्रामर जिसको इन्होंने कहा है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करते हैं, चॉमस्की करते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर की बात कौन करते हैं, चॉमस्की कहते हैं। इनको फादर कहा जाता है भाषा विकास का। चॉमस्की का मानना है कि बालक में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बालक के दिमाग में क्या होती है, LED फिट होती है, ये एक डिवाइस फिट होता है, भाषा के साधन फिट होता है उसके अंदर, जिससे कि वो कोई भी भाषा को ग्रहण कर सके, जहाँ से जो है वो स्पीच प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो भाषा जो है वो निकलती है। इसके अलावा चॉमस्की ने सार्वभौमिक व्याकरण की भी बात की, जो बालक में पहले से ही मौजूद होती है। चॉमस्की ने भाषा सीखने के दो नियम बताए, कि दो नियम होते हैं, एक तो सतही संरचना का नियम और दूसरा गहरी संरचना का नियम। सतही संरचना का नियम क्या है, बच्चा जो है वो अभिव्यक्ति से जो है वो लिखना पढ़ना सीख जाता है, जो भी बच्चा अभिव्यक्त करता है उससे वह लिखना पढ़ना सीख जाता है। और गहरी संरचना क्या है, कि बच्चा जब भाषा को अपने तरीके से गहराई में जाकर सोचता है तब वह भाषा को भी बोलना सीखता है। ठीक है, तो भाषा सीखने के इन्होंने दो नियम बताए, एक तो ये नियम बताया कि बच्चा अभिव्यक्ति के माध्यम से लिखना पढ़ना जब सीख जाता है तो भाषा सीख गया वो, दूसरा इन्होंने बताया कि बच्चा अपने तरीके से जब गहराई में जाकर सोचता है विचार करता है तब भी वह भाषा सीखता है। नेक्स्ट देखिए प्याजे का भाषाई विकास का सिद्धांत। प्याजे क्या कहते हैं, कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ये सब बातें आप जो है पहले पढ़ चुके हो, और यहाँ पर भाषा की बात हो रही है, तो प्याजे भाषा के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है तो स्वयं ही भाषा भी अर्जित करता होगा। पहले बच्चे के जो क्या आते हैं, थॉट आती है, वहीं वाइगोस्की ने क्या कहा था, पहले भाषा आती है बाद में विचार आते हैं, ठीक है, फिर उसकी भाषा का विकास होता है। प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो है वो अहम केंद्रित होता है, जिसे उन्होंने किसी काम का नहीं बताया, इसी अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिक स्पीच को वाइगोस्की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये एक प्राइवेट स्पीच होती है, बच्चा स्वयं बोल बोल कर खुद को दिशा दे रहा होता है। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा वो खुद से बातें कर रहे होते हैं, बड़बड़ा रहे होते हैं, तो वही चीज़ को जो है वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच का नाम दिया है, और उसी को ईगो सेंट्रिक स्पीच का नाम दिया है किसने, पियाजे ने। स्किनर का भाषाई विकास के सिद्धांत के बारे में क्या कहना है, स्किनर जो कि किसको बल देते हैं, रिइंफोर्समेंट को बल देते हैं, वो कहते हैं बच्चे को एक चॉकलेट दो उसे कोई कुछ भी सिखा दो, ठीक है, वो इस चीज पर बल देते हैं। तो स्किनर का जो भाषाई विकास का सिद्धांत, जो कि इन्होंने अपनी पुस्तक 1957 में बर्वल बिहेवियर में दी, ये कहते हैं कि बालक को पुनर्वलन अगर हम देंगे, उसको शाबाशी देंगे, उसको चॉकलेट टॉफी देंगे, और उससे जो है कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, तो भाषा भी उसको सिखाई जा सकती है, और बालक जो है वो जल्दी से भाषा को सीख जाएगा। ब्रूनर का भाषाई अर्जन का सिद्धांत। तो ब्रूनर ये भी रचनावादी हैं। रचनावादी कौन कौन है ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिए जीन पियाजे रचनावादी हैं, सामाजिक रचनावादी वाइगोस्की हैं, ठीक है, चॉमस्की हैं, ब्रूनर हैं, ये कौन है, रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये बोलते हैं कि बच्चा अगर खोज करता है तो सीखता है भाषा को, ठीक है। और एक वाइगोस्की में हमने जो एक शब्द देखा था स्कैफोल्डिंग, जब मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके की हेल्प होती है,
ठीक है, एक क्लू होता है, जब बच्चे को ज़रूरत पड़ती है तो उसको दी जाती है, तो वो बहुत आराम से जो है वह चीज़ सीख जाता है। तो ये जो स्कैफोल्डिंग शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम संप्रदाय यानी कंसेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया? ब्रूनर के द्वारा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि स्कैफोल्डिंग का सर्वप्रथम संप्रदाय किसने दिया? ब्रूनर ने दिया। और ब्रूनर का कहना है कि बच्चा जो है वो खोज के द्वारा सीखता है। इन्होंने कहा है कि बालक जो है वो भाषा कंटिन्यू सीखता है, लगातार सीखता है, जबकि जीन प्याजे डिसकॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। ब्रूनर ने अधिगम की तीन स्टेजेस बताई हैं। इन्होंने बताया है कि भाषा सीखने की तीन स्टेजेस हैं। एक तो इनएक्टिव यानी कि एक्टिव। एक्टिव कब होगा बच्चा? जब कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, तो मूवमेंट और एक्शन के द्वारा वह सीखता है। दूसरी स्टेज है आइकॉनिक। आई से याद रख सकते हैं, आई, ठीक है, तो यानी कि देखना। तो आइकॉनिक स्टेज, जिसको पिक्टोरियल स्टेज भी कहा जाता है, तो 18 मंथ से लेकर और 6 साल के बीच में ये स्टेज होती है। इसमें बच्चा इमेज के थ्रू, पिक्चर के थ्रू और मॉडल के द्वारा सीखता है। जब उसको कोई इमेज दिखाई जाती है तो वह बोलता है उसके बारे में, कोई पिक्चर दिखाई जाती है तो वहाँ भी उसके वाक्यों में जो है वृद्धि होती है, मॉडल दिखाया जाता है, तो इसके द्वारा भी वह कई चीज़ें सीख जाता है और भाषा बोलना सीखता है। थर्ड है सिंबॉलिक। अब यहाँ पर कुछ सिंबल सिंबल के माध्यम से सीखता है। इसको एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी बोला जाता है, जहाँ पर बच्चा सोच विचार भी करता है, ठीक है, और ये सोच विचार जो कि जब वो अभिव्यक्त करता है तो वो भाषा का रूप ले लेते हैं। तो 6 साल से जो अवयव के बच्चे हैं, 6 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, तो उनमें सिंबॉलिक थॉट आ जाती है, और इस वजह से जो है वह यहाँ पर सीखते हैं सिंबल के माध्यम से। यहाँ पर जो भाषा है वो सिंबल के माध्यम से और शब्दों के द्वारा सीखी जाती है। अल्बर्ट वंडरा कहते हैं कि बालक जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, अभ्यास करता है फिर उसका, और अंत में जो है वो भाषा का विकास हो जाता है। यानी पहले तो वो क्या करता है, किसी की नकल करता है हूबहू, फिर उसको जो है वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है उसी चीज़ की, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है वह उसको सीख जाता है। तो भाषा का विकास कैसे हुआ? अनुकरण के द्वारा जो है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस के बाद जो है वह भाषा को सीख गया। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि भाषा का विकास जो है वो कैसे कैसे होता है। जहाँ चॉमस की, याद रखना है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक इनको कहा जाता है, ठीक है, प्रतिपादक कहा जाता है भाषाई विकास का। ये कहते हैं कि बच्चे में पहले से ही जन्मजात जो है एलएडी मौजूद है, यूनिवर्सल ग्रामर पहले से ही होती है। इसका मतलब क्या है? भाषा का विकास जन्मजात होता है, बच्चा भाषा लेकर पैदा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने बात की बांडुरा की, बांडुरा कह रहे हैं कि अनुकरण करता है बच्चा, प्रैक्टिस करता है और वह सीख जाता है। तो ये सभी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से भी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, एग्जाम की इसी तरीके से तैयारी करते हुए चलना है, वीडियो बार बार देखना है, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।